गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं स्वागत करती हूं आपका फिर से एक बार पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए बिना देर करे इस बुलेटिन में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस रखने वाले लोगों को अब पूरे देश में किसी भी अस्पताल में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर पर पहल की शुरुआत की है। इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल की शर्त को खत्म कर दिया है। पॉलिसी होल्डर्स अब अपनी पॉलिसी नेटवर्क के अस्पतालों पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। वे अपनी मर्जी से किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज कैशलेस करवा सकते हैं। अब तक स्वास्थ्य बीमा धारक को कैशलेस इलाज के लिए बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल अस्पतालों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अन्य किसी अस्पताल में इलाज करवाने पर जेब से पूरा भुगतान करना पड़ता था और बाद में बीमा कंपनी के पास बिल जमा करके पैसे वापस लेने पड़ते थे। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती थी। कई बार पॉलिसी धारक को बीमा का पूरा लाभ भी नहीं मिलता था। दिल्ली के एम्स में इलाज करवाना अब अधिक सुविधाजनक होगा। अप्रैल से एम्स में कैश पेमेंट की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होगी। एम्स ने अपने कुछ डिपार्टमेंट में स्मार्ट कार्ड की सुविधा शुरू की है। 31 मार्च तक इसे सभी डिपार्टमेंट्स में लागू किया जाएगा। इसके बाद एम्स में किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान केवल स्मार्ट कार्ड के जरिए होंगे। एम्स में 1 अप्रैल से किसी भी प्रकार के शुल्क के लिए 100% डिजिटल भुगतान होगा। 1 अप्रैल से एम्स स्मार्ट कार्ड टॉपअप काउंटर के अलावा किसी भी काउंटर पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। एम्स में UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के अलावा एम्स स्मार्ट कार्ड ही सभी जांचों और प्रक्रियाओं के लिए भुगतान करने का एकमात्र तरीका होगा। नेशनल हाईवे पर मौजूद दुर्घटना संभावित 9000 ब्लैक स्पॉट्स को ठीक किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2025 तक इन सभी ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का लक्ष्य रखा है। पिछले 3 साल में लगभग 4000 ब्लैक स्पॉट्स को ठीक किया गया है। मंत्रालय ने 9000 से ज़्यादा ब्लैक स्पॉट की पहचान की है जिन्हें मार्च 2025 तक ठीक किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर 500 मीटर वाले ऐसे क्षेत्र को जहां 3 साल के दौरान कम से कम 5 दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें 10 लोगों की मौत हुई है, उन्हें दुर्घटना के लिए ब्लैक स्पॉट माना जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही सड़कों के गड्ढों और खराब रखरखाव के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। चुनाव से पहले सरकार खाद्य महंगाई को नियंत्रित करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने FCI के माध्यम से खुले बाजार में बेचे जाने वाले गेहूं की साप्ताहिक मात्रा 50,000 टन बढ़ाकर 5,00,000 टन कर दी है। अभी तक बिक्री की सीमा 4,50,000 टन थी। सरकार गेहूं की आपूर्ति बढ़ाकर इसकी कीमतों को नियंत्रित करना चाहती है। देश में गेहूं के कम उत्पादन की आशंका के चलते इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार आटा मिलों को सस्ता और पर्याप्त गेहूं उपलब्ध करवाकर खाद्य महंगाई को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। अब खबर अल नीनो को लेकर है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जून में शुरू होने वाले मॉनसून सीजन से पहले अल नीनो की स्थिति न्यूट्रल हो सकती है। न्यूट्रल अल नीनो वह स्थिति है जिसका मॉनसून की बारिश पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। जनवरी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को देखते हुए IMD का कहना है कि अल नीनो का असर मई जून तक बना रहेगा। इससे रबी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई है। अगर गर्मी जल्दी शुरू हुई तो गेहूं ऐसी प्रमुख फसल को नुकसान पहुंच सकता है। मोजाम्बिक से आयात होने वाली तुअर दाल की आपूर्ति प्रभावित होने से घरेलू बाजार में तुअर दाल की कीमतों में तेजी बनी रहने की आशंका है। मोजाम्बिक की 2 कमोडिटी कंपनियों के बीच तनाव पैदा होने से तुअर की सप्लाई में रुकावट खड़ी हो गई है। म्यांमार से तुअर का ज्यादा आयात होने के बावजूद कीमतों में तेजी बने रहने के संकेत हैं। मोजाम्बिक अफ्रीका में तुअर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दालों के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत में मोजाम्बिक से करीब 40% तुअर दाल का आयात होता है। राम मंदिर की स्थापना के बाद अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों में अगले 4 से 5 सालों में 1.5 से 2 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब पैदा होंगे। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बेटर प्लेस का मानना है कि इस क्षेत्र में होटल, अपार्टमेंट, हेल्थ केयर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण कंस्ट्रक्शन गतिविधियां बढ़ेंगी। ऐसे में अगले कुछ सालों में यहां अतिरिक्त 50,000 से 1,00,000 टेम्परेरी जॉब्स पैदा होंगे।
अर्थशास्त्रियों और जॉब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हॉटस्पॉट बनेगा। ऐसे में यहाँ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, फूड एंड बेवरेज, डेली एसेंशियल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, बैंकिंग और कंस्ट्रक्शन आदि सेक्टर्स में मैनपावर की डिमांड बढ़ेगी। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने प्रीमियम पर रिटर्न के साथ दो नए टर्म प्लान पेश किए हैं। इन दोनों प्लान का मकसद वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के साथ कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना है। SBI के नए टर्म प्लान का नाम सरल स्वधन सुप्रीम और SBI लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम है। ये दोनों प्लान लाइव कवर उपलब्ध कराने के साथ ही मेच्योरिटी पर प्रीमियम रिटर्न का वादा करते हैं। पॉलिसी अवधि में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर परिजनों को लमसम बेनिफिट मिलेगा और पॉलिसी अवधि पूरी होने पर पॉलिसी होल्डर के जीवित होने पर सभी जमा किए गए प्रीमियम को लौटाया जाएगा। सैमसंग फोन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सैमसंग ने इंस्टेंट डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट के साथ भागीदारी की है। इसके तहत यूजर्स ब्लिंकिट के जरिए सैमसंग की नई लॉन्च हुई गैलेक्सी S24 सीरीज के स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। ऑर्डर करते ही फोन की डिलीवरी 10 मिनट में पूरी होगी। यूजर ब्लिंकिट पर गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, गैलेक्सी S24 प्लस और गैलेक्सी S24 स्मार्टफोन को ऑर्डर कर सकते हैं। ब्लिंकिट से सैमसंग फोन खरीदने पर केवल 10 मिनट में डिलीवरी ही नहीं बल्कि यूजर्स को इंस्टेंट कैशबैक भी मिलेगा। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन खरीदने पर 5,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक यहां दिया जा रहा है। अयोध्या के बाद अब वाराणसी के आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। PWD की ओर से 300 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड बनाई जाएगी। ये रोड बनारस से सटे चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर को जोड़ेगी। इसके निर्माण पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। PWD की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दिखा दी है। धनराशि मिलते ही काम शुरू होगा। वाराणसी के आसपास के जिलों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही आउटर रिंग रोड से व्यापार बढ़ेगा और आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अब आपसे होगी मंगलवार को मुलाकात। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।